कुछ नहीं, बट इस यूजर का कहना है जब हम पोस्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है एंड यहाँ पेजेस में जाते हैं तो अबाउट पेजेस जैसे कि हम खोलते हैं तब भी हमें यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी प्लगइन यूज कर रहे हैं तब भी यहाँ सिलेक्ट आएगा, ठीक है। एंड यहाँ हम कैटेगरी बनाएंगे तो कैटेगरी में भी सिलेक्ट आता है। तो आखिर ये सिलेक्ट है क्या है, बट पेज एंड पोस्ट एंड पेजेस में सिलेक्ट ऑप्शन का काम क्या है, आखिर इसका यूज क्या है, बहुत से यूज़र जानना चाहते हैं बट पेज के, उनको पता नहीं होता। तो ऐसे यूज़र को आज बताएंगे कि सिलेक्ट का मतलब क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, आखिर बट पेज के अंदर इसका काम क्या है। तो सिलेक्ट को जानने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों जब आप अपने बट पेज के अंदर पेजेस कैटेगरी पोस्ट बनाते हैं तो सबके अलग अलग पर्टिकुलर यूआरएल होते हैं, है ना। तो यूआरएल बनाने के लिए हमें कोई तो स्पेस चाहिए होता है या ऑटोमेटिकली यूआरएल बनेगा उसे आपको डिस्प्ले कराना होगा बट पेज को, तो कोई तो स्पेस चाहिए होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट में देखने मिलती हैं। कहने का मतलब दोस्तों, आप अपनी साइट के अंदर पेजेस कैटेगरी या पोस्ट का यूआरएल पता लगाना चाहते हैं, क्या यूआरएल है, तब आप सिलेक्ट ऑप्शन पर आएंगे, आपको यूआरएल पता पड़ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इस पोस्ट का यूआरएल है वर्स विजगेट गुटनबर्ग एडिटर, है ना। चलिए मैं इस पोस्ट को ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए हम यहाँ पर जाते हैं पोस्ट पर, ये है ऑल पोस्ट, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने ये कल ही पोस्ट लिखी हुई है तो इस पोस्ट को हम ओपन करते हैं। ये है शायद, सॉरी, हम जाएंगे ऑल पोस्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर कल ही पोस्ट लिखी है वर्ष, तो यहाँ पर व्यू दिखाता हूँ। तो देखिए इसका यूआरएल क्या है, वर्स विडगेट गुटनबर्ग एडिटर, एंड इस पर जाते हैं तो इसके सिलेक्ट में ये ही लिखा है, ये देखिए, है ना, वर्स विडगेट गुटनबर्ग एडिटर, सेम यहाँ पर लिखा है, है ना। पेजेस में भी ऐसा ही लिखा है, देखिए ये यहाँ पर सिलेक्ट बना है अबाउट का, तो मैं अबाउट का पेज खोल लेता हूँ यहाँ पर, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। हम जाते पेजेस में और यहाँ पर व्यू में जाते हैं, तो देखिए अबाउट ही लिखा हुआ है ना, अबाउट का पेज था, देखिए ये है अबाउट का पेज, तो ये अबाउट ही लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो आप समझ गए होंगे सिलेक्ट का मतलब होता है यूआरएल, है ना। जब आपको यूआरएल में चेंज करना हो तो आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे आना है, ठीक है। ये आपको पोस्ट कैटेगरी और पेज में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जो भी SEO का प्लगइन यूज करते हैं तो वहाँ पर कहाँ ये आपको ये देखना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर गुटनबर्ग एडिटर यूज कर रहे हैं तो शायद ऊपर ही मिल जाएगा, क्लासिक एडिटर यूज कर रहे हैं तो आपको ऊपर ही सिलेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो URL में चेंज करना है आपको तो आपको सिलेक्ट ऑप्शन पर आना होगा। URL किसी का भी हो सकता है, पोस्ट का हो सकता है, फाइल का हो सकता है, पेज का हो सकता है, कैटेगरी का हो सकता है, ठीक है। सिलेक्ट का मतलब आप अपनी मैनुअली यूआरएल बना सकते हैं, ठीक है, या चेंजेस कर सकते हैं, या फिर ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा यूआरएल। तो आप सिलेक्ट समझ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड थैंक्स एंड बाय बाय।